हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSK माइंड एजुकेशनल क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो सामान्य विज्ञान का है, जिसमें कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्य से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना कहलाता है। मतलब बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, ये पूछा गया है इसमें। तो ये कार्य की परिभाषा है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा कार्य। किसी वस्तु की बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसको कार्य कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, कार्य को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त सूत्र है। मतलब इसमें कार्य का सूत्र पूछा है, तो ध्यान रखना कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं। W बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई विस्थापन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और बल को फोर्स बोलते हैं। ये कार्य का सूत्र है, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो आपको ये वाला फॉर्मूला इसमें कहाँ दे रखा है, किस ऑप्शन में दे रखा है, वो है ऑप्शन सै है, बल गुणा विस्थापन, ये कार्य का सूत्र है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कार्य में ये बल गुणा विस्थापन, ये जो इसका फॉर्मूला है W बराबर F गुणा S, तो इसमें क्या है, अगर इसमें एंगल होता है तो एंगल के लिए सूत्र, जो कोण होता है, अगर विस्थापन और जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसके बीच में अगर कोई कोण बनता है, एंगल बनता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, यह आपको ये भी याद रखना है। तो उसके लिए W बराबर F S cos थीटा, थीटा कोण का मान है जो कि विस्थापन और बल के मध्य है, तो ये आपको याद रखना है जब एंगल दिया हुआ होता है। तो कार्य का मात्रक क्या है, क्वेश्चन नंबर तीन है, कार्य का मात्रक होता है, वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है जूल। या इसको कार्य का मात्रक कैसे निकालेंगे फ्रेंड, फॉर्मूले में देखिए, W बराबर F इंटू एस, एफ है फोर्स, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, और S डिस्प्लेसमेंट, उसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, इसको जूल भी बोलते हैं, और न्यूटन इंटू मीटर ये भी इसका मात्रक है। तो एग्जाम में अगर न्यूटन इंटू मीटर दिया हुआ होता है तो उसको भी आपको राइट करना है, या फिर अगर इसकी जगह जूल दिया हुआ होता है तो उसको राइट करना है। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन में जो दिया हुआ होता है उसको आपको राइट करना है। तो ज़्यादा प्रचलित ये है कार्य का मात्रक जूल, ये ज़्यादा प्रचलित है, और न्यूटन इनटू मीटर ये दिया हुआ आता है तो ये भी इसका मात्रक है, तो कार्य के ये मात्रक हो गया, न्यूटन इनटू मीटर को ही जूल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन इनटू मीटर ऐसा ही मात्रक है और इसी को जूल बोलते हैं, ये कार्य का मात्रक हो गया। तो कार्य का मात्रक इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, इसका करेक्ट ऑप्शन है जूल। कार्य के बारे में सत्य कथन है, इसमें कार्य के बारे में क्या सत्य कथन है वो पूछा है। कार्य धनात्मक होता है फ्रेंड्स, कार्य धनात्मक होने का क्या मतलब है, मतलब जिस दिशा में अगर बल लगाया जाता है, मानो इस दिशा में बल लगाया जा रहा है, उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो कार्य होगा धनात्मक, अगर बल लगाने के विपरीत दिशा में विस्थापन होता है तो उसको कार्य को बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य कब होगा फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया जब एंगल का मान 180 डिग्री हो, 180 डिग्री होगा तो कार्य ऑपोजिट दिशा में होगा, तो वो हो गया ऋणात्मक। और दिशा में अगर जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में कार्य होता है तो वो हो गया धनात्मक। जब बल और विस्थापन के मध्य शून्य डिग्री हो तो, कोण शून्य डिग्री हो तो किया गया कार्य अधिकतम होगा। तो इसमें ये तीनों बातें दे रखी है फ्रेंड्स, ये तीनों बातें है ना वो करेक्ट है,
कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक हो सकता है। और कार्य ऋणात्मक कब होगा, मैंने बताया कि जो एफ एस कोस थीटा, जो थीटा का मान अगर 180 डिग्री होगा, तो अपन उस सारणी से जो एंगल्स की जो सारणी दी हुई होती है साइन थीटा कोस थीटा वाली, जो फ्रेंड्स एंगल्स की जो सारणी दी हुई होती है त्रिकोणमिति में दी हुई होती है, उसमें से आपको इसके मान देख के आपको हल करना होता है। तो जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री होगा अगर थीटा का मान, तो कार्य ऋणात्मक होगा। ये आप इनके मान जो त्रिकोणमिति है, ट्राइगोनोमेट्री है, उसमें आपके आपको देख के उसका मान निकाल सकते हो। और कार्य का मान अधिकतम कब होगा, जो कार्य का मान अधिकतम तब होगा जब कोस थीटा का मान जीरो हो, कितना हो, जीरो डिग्री, जो थीटा है उसका मान जीरो डिग्री। क्योंकि अगर जो त्रिकोणमिति की जो सारणी दी हुई होती है ना, उसमें कोस जीरो का मान एक होता है, तो कोस जीरो का मान एक होगा तो इसमें अधिकतम जो इसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कार्य अधिकतम होगा। और कोस जीरो का कोस थीटा का मान अगर 90 डिग्री होता है फ्रेंड्स, अगर 90 डिग्री होता है तो कोस 90 का मान सारणी से जीरो आता है। कोस 90 का मान सारणी से जीरो है तो कार्य का मान न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम कब होता है, अधिकतम कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, धनात्मक कब होता है, ये मैंने इस क्वेश्चन में आपको सब बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति समतल पर रखे किसी 10 किलोग्राम के डिब्बे को 5 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर विस्थापित करता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कार्य का सूत्र याद रखना है, कार्य W बराबर F इंटू S, S है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है 20 मीटर, तो विस्थापन की जगह ये मान रख देंगे और बल है, फोर्स है, फोर्स का मान क्या है, फोर्स का मान है 5 न्यूटन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 20 को 5 से 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल आएगा कार्य का मान, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। आप उस फॉर्मूले में रख के इसको सोल्व कर सकते हो। कार्य करने की दर, आप शक्ति के बारे में क्वेश्चन है, जो शक्ति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। शक्ति को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। इसमें सबसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन है, शक्ति में जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, कार्य करने की दर कहलाती है, मतलब ये शक्ति की परिभाषा दी हुई है, जो कार्य होता है उसको करने की दर, किस रेट से कार्य किया जाता है, कितने समय में किया जाता है, तो उस दर को शक्ति कहते हैं अपन, पावर कहते हैं। तो पावर को पी से डिनोट करते हैं, पावर बराबर डब्लू अपॉन टी, डब्लू है वर्क और टी है टाइम। तो वर्क का आपको पता है, वर्क का मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल, और टाइम का जो ऐसा ही मात्रक है वो सेकंड ऊपर जाएगा तो जूल प्रति सेकंड, क्या हो गया, जूल प्रति, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड, ये याद रखना है, ऐसा ही मात्रक। ये इसको वाट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। तो जूल प्रति सेकंड और वाट, ये शक्ति के मात्रक है, आपको ये याद रखना है। तो कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति, मतलब कि इसमें क्या है, किस रेट से कार्य किया जाता है तो उसको शक्ति कहते हैं। जैसे कि कोई कार्य है टी समय में कार्य किया जाएगा डब्लू, तो एक सेकंड में किया गया कार्य डब्लू बटा टी, डब्लू अपॉन टी, इसको पावर कहते हैं, ये पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है शक्ति, पावर। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक क्या है, मैंने शक्ति का मात्रक अभी बताया, वाट भी है और जूल प्रति सेकंड भी है, जूल प्रति सेकंड और वाट। तो आप जो ऑप्शन में दिया हुआ आता है उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना है, तो ज़्यादा प्रचलित वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 746 वाट एक अश्वशक्ति में। शक्ति का सूत्र क्या है, पावर का फॉर्मूला पूछा है, मैंने बताया आपको, कार्य बटा समय, वो शक्ति का फॉर्मूला है।
कार्य बटा समय। नेक्स्ट है, इसमें देखिए फ्रेंड्स, शक्ति, अगर जो शक्ति है वो विद्युत शक्ति से, विद्युत शक्ति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो शक्ति का फॉर्मूला होता है वो विद्युत शक्ति का है, इसमें P बराबर W बटा T। अब जो W है इसकी जगह W वर्क है, वो अगर विद्युत से रिलेटेड अपने को बात करते हैं, अपन बात करते हैं विद्युत से रिलेटेड, तो W है उसका मान Q इंटू इसका मान है वो है, अगर विद्युत से रिलेटेड बात करेंगे तो W क्या हो गया, Q आवेश को और V विभवांतर, ये कार्य का, कार्य की जगह अपन रख देंगे मान, क्योंकि जो कार्य होता है वो विद्युत में आवेश विभवांतर के गुणनफल के बराबर है, तो Q इंटू V, और Q इंटू V, Q यहाँ विद्युत आवेश है, V विभवांतर है, तो Q इंटू V है। और अपन जानते हैं कि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें आपको धारा के बारे में बताया था, विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, तो इसमें Q अपॉन T की जगह अपन मान रख देंगे I, तो ये हो गया I इंटू V, I धारा हो गया और V विभवांतर। तो ये इस विद्युत शक्ति के बारे में है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जो अगले वीडियो में जब कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा को कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसको एक यूनिट कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट बोलते हैं, तो ये राइट, इसका राइट ऑप्शन ये हो गया। अब फ्रेंड्स, जो 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा को अपन क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखना, जो एक यूनिट है, 1 यूनिट, उसको 3.6 × 10⁶ जूल, उसमें ये होता है, इसका मान इसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल, ये भी आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया, 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल, ये आपको याद रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वर्क एनर्जी और पावर से संबंधित, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।